फाइनली रोमन रेंस का क्लैश ऑफ चैंपियंस में कौन होगा अपोनेंट आज के एपिसोड में हमें मिली गया। वहीं बेले और बैंक्स दोनों की बेस्ट फ्रेंड के बीच दरार आ चुकी है और शेमस ने बैकस्टेज बिगी पर अटैक करा, जिसके बाद उन्हें आज के मैच से हटना पड़ गया। कौन उनकी जगह शामिल हुआ इस मैच में, सब बातों को जानेंगे इस वीडियो में, जहां पूरे स्मैकडाउन में क्या क्या दिखा उस पर बात होने वाली है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियांशु और आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की ओपनिंग बिग डॉग रोमन रेंज और पॉल हेमन से हुई। दोनों ने साथ में एंट्री करी और रिंग में आके सबसे पहले पॉल हेमन बोलते हैं, आप लोगों को लग रहा था कि मैं चला गया हूं, अपने आप को पागल मत बनाओ, बट मैं एक आइलैंड पर गया था जहां मैंने इस मैन को रेस्क्यू करा, सेव करा और खरीदा और फिर यहां लाया। फिन कोई पैदाइशी चैंपियन नहीं है और जरूरी नहीं कि टाइटल वही रेन करे। जेन्युइनली आप सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट आप क्या कर रहे हो आपने चैंपियन के साथ। आज फैटल फोर वे में डिसाइड हो जाएगा कि वो कौन होगा जो क्लैश ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस के खिलाफ आएगा। जो भी आएगा उसे रोमन रेंस के सामने आने से पहले सोचना होगा। रोमन रेंस भी बोले, उन्होंने कहा कि ये मेरा आइलैंड है, जब आप पर इतनी पावर होती है तो आपको बस इतना करना होता है कि आप दिखें और जीतें। यही आज रोमन रेंस की टी शर्ट पे लिखा हुआ था, शो अप एंड विन। वाकई पॉल हेमन को काफी टाइम बाद सुनने में अच्छा लगा, एक अच्छा प्रोमो उन्होंने यहाँ दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट समय हैवी मशीनरी वर्सेस मिज मॉरिसन के बीच मैच का। ओटिस और मिज मैच की शुरुआत करते हैं। मिज काफी उछल कूद कर रहे थे बट ओटिस ने उन्हें उठा के पटका और शांत कर दिया। फिर टैग टकर को दिया और उन्होंने भी मिज को मारा। मिज ने अब टैग मॉरिसन को दिया, उन्होंने आके टकर पर हावी होने की कोशिश करी बट टकर ने मॉरिसन को भी जोरदार पटकनी दी। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच और जीत यहाँ ओटिस और टकर की हुई। मैच के बाद मॉरिसन ओटिस का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके भाग जाते हैं। अब शो बैकस्टेज गया जहां बिग ई, ड्रू गुल्लक और लूचा हाउस पार्टी के सभी मेंबर केक के साथ खड़े दिखाई दिए। तभी बिग ई को कोई बुलाने आता है, वो जाते हैं, तभी शेमस उन पर अटैक कर देते हैं और तबीयत से मार के कार के मिरर पर बिग ई को मूव दे देते हैं। इसके बाद WWE ऑफिशियल आके बिग ई को रेस्क्यू करते हैं और स्ट्रेचर पर उन्हें ले जाया जाता है। आज की रात बिग ई को फैटल फोर वे मैच खेलना था, देखते हैं वो यहाँ शामिल हो पाते हैं या नहीं। इसके बाद बैकस्टेज इंटरव्यूअर एडम पियर्स से पूछती हैं कि फैटल फोर वे में बिगी का क्या होगा। वो कुछ बोलते उससे पहले पॉल हेमन आते हैं और उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें साशा बैंक्स बेले वर्सेस नाया जैक शाइना बेसलर के बीच वुमेन टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच शुरू हुआ, साशा बैंक्स और बेले ने अपना दम दिखाते हुए दोनों अपोनेंट्स को रिंग के बाहर करा और उन पर डाइव लगाने वाली थी। दोनों ने बैंक्स और बेले को पकड़ा और दनादन बैरिकेड में मारा। फिर नाया जैक्स और बेले रिंग में दिखाई दी, जहां नाया जैक्स ने जम के बेले में मार दी। बेले बीच बीच में पलटवार की कोशिश करती दिखाई दी, शाइना ने भी आके बेले को मारा। फिर बैंक्स आती हैं और नाया जैक्स पर शुरू में अटैक करती हैं और नाया जैक्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं। फिर ये दोनों मिलके काफी देर शाइना बेसलर को मारती हैं, तभी बैंक्स के नी में कुछ प्रॉब्लम होती है। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, एंड में नाया जैक्स ने बैंक्स और बेले दोनों पर डाइव लगा के मैच जीत लिया। मैच के बाद ऑफिशियल्स बैंक को आके देखते हैं, बेले ये सब देख रही थी और फिर बैंक्स को उठने में वो हेल्प करती हैं और फिर अचानक से साशा बैंक्स पर अटैक कर देती हैं स्टील स्टेप्स में और जम के बैरिकेड में उन्हें मारती हैं और बैंक्स के लगे हुए पैर में भी मार देती हैं। जम के मारा, बहुत मारा, बैंक्स के प्राण तक निकाल दिए। फिर बेले चेयर लेके आती हैं, बैंक्स के पैर में फंसाती हैं बट बैंक्स पलट के किक देती हैं। फिर बेले चेयर को बैंक्स की गर्दन में फंसा के उस पर कूद जाती हैं। अब ये तो होना ही था इन दोनों के बीच। इसके बाद हमें सैमी ज़ेन दिखाई दिए और वो आके रिंग अनाउंसर से उलझ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये कैसा इंट्रोडक्शन है सैमी ज़ेन, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ और वैसे ही मुझे ट्रीट करो। इसके बाद सैमी ज़ेन प्रोडक्शन ट्रक में बैठे लोगों से भी बात करते हैं और तभी जेफ हार्डी की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि सैमी ज़ेन, अगर आके तुमने एक बार भी मुझसे कहा होता तो मैं तुम्हें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल शॉट दे देता। सैमी ज़ेन कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ। तभी एजे स्टाइल आते हैं और आके वो जेफ हार्डी पर अटैक कर देते हैं। सैमी ज़ेन शुरू में थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं कि किस पे अटैक करूं, बट वो फिर एजे स्टाइल के साथ मिलके जेफ हार्डी को ही मारने लग जाते हैं। बट एजे स्टाइल कहाँ चूकते, वो सैमी ज़ेन में भी मार देते हैं और उन्हें स्टाइल क्लैश देने वाले होते हैं। तभी जेफ हार्डी आके स्टाइल को मारते हैं। फिर सैमी ज़ेन जेफ हार्डी को किक देके वहां से चले जाते हैं। अब हमें नंबर वन कंटेंडर के लिए फैटल फोर वे मैच दिखा, जिसमें बिग ई की जगह जे उसो को शामिल करा गया। मैट रिडल की एंट्री पहले होती है और फिर कॉर्बिन की। रिडल को वेट नहीं होता है, वो स्टेज पे जाके कॉर्बिन में मार देना शुरू कर देते हैं। तभी शेमस आके रिडल में मार देते हैं। फिर आते हैं जे उसो, वो आके रिंग के बाहर कॉर्बिन पर अटैक कर देते हैं और रिंग में मैट रिडल शेमस को कूटने लगते हैं। टाइम टाइम पर शेमस और कॉर्बिन के बीच टीम अप दिखा, वहीं मैट रिडल और जे उसो के बीच भी टीम अप दिखाई दिया। फिर मिलके इन्होंने एक दूसरे में मार दी। जबरदस्त मैच दिखा इनके बीच और एंड में
जे उसो ने मैट रिडल पर स्प्लैश देके मैच जीत लिया और वो बन गए नंबर वन कंटेंडर। अब हमें क्लैश ऑफ चैंपियन में रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच मैच दिखेगा। इस मैच में जब WWE ने जे उसो को शामिल करा तभी इस मैच का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि जे उसो इस मैच को जीतने वाले हैं और वैसा ही हुआ। यही आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हुआ। अच्छा था आज का एपिसोड जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। बेस्ट फ्रेंड्स अब दुश्मन बन चुकी हैं, जो कि सर्वाइवर सीरीज से पहले होना भी था। वहीं शेमस ने बिगी पर जबरदस्त अटैक करा। वहीं रोमन रेंस को जे उसोस को फेस करेंगे, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। अब देखते हैं इन दोनों के बीच क्लैश ऑफ चैंपियंस में कैसा मैच दिखाई देता है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।